हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रेडमी 6A की चार्जिंग सप्लाई के बारे में कि इसकी चार्जिंग सप्लाई कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पर। ये देखिए, इसका बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है ये, और ये सप्लाई यहाँ पर कैपेसिटर दिया हुआ है। ये जो सप्लाई हमारी, ये हमारी बीबस की सप्लाई है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से होती है सप्लाई। यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ से होती हुई ये हमारी OBPIC है। यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं आगे। फिर देखिए यहाँ पे कैपेसिटरों पे आती है इसकी सप्लाई। उसके बाद ये इस IC में जाती है। ये देखिए, इसमें हमारा लाइट सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन इसी में है, इसी IC में है। और ये सप्लाई जो है, ये हमारी BPH पावर की सप्लाई है। ये देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर दिया हुआ है, डायोड है यहाँ पे कैपेसिटर। और इस IC से जो आउटपुट होता है हमारा 4.2 वोल्टेज, जो हमारी BVAT की सप्लाई होती है, वो यहाँ से होती हुई सप्लाई। ये देखिए हमारी BVAT की सप्लाई है। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर दिया हुआ है। यहाँ चलते हैं आगे। अगर ये सप्लाई नहीं बन रही है BVAT की, तो आप IC को रिवॉल्व करके दोबारा लगा दें। फिर देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जो जाती है हमारी, इस पावर IC में जाती है। और ये देखिए यहाँ पे ये डायोड है, यहाँ पे आती है। और फिर देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद ये हमारा बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर आती है इसकी सप्लाई। ये देखिए यहाँ पर, और ये सप्लाई हमारी थर्मल सप्लाई है बैटरी कनेक्टर की। यहाँ से होती है सप्लाई। ये देखिए पॉइंट दिया हुआ है इसका, यहाँ से भी जम्पर कर सकते हैं। इसके बाद इधर डायोड दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से चलते हैं आगे। और फिर देखिए यहाँ पे रजिस्टर दिया हुआ है ये, और फिर ये इसका यहाँ से जम्पर कर सकते हैं। और फिर ये पावर IC में जाती है इसकी सप्लाई। अब देखते हैं इसकी IDC सप्लाई, जो बैटरी कनेक्टर की IDC सप्लाई है। ये देखिए हमारी बैटरी कनेक्टर की IDC सप्लाई है, यहाँ से होती है सप्लाई। ये देखिए यहाँ पे डायोड दिया हुआ है इसकी सप्लाई में, और फिर यहाँ पे रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ से जम्पर कर सकते हैं इसका। यहाँ से चलते हैं आगे। इन सप्लाई से जो प्रॉब्लम आती है हमारी, वो ज़्यादातर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसकी सप्लाई ढूंढकर। उसके बाद ये CPU में जाती है। ये देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं इसकी DMDP की सप्लाई। ये देखिए ये हमारी DMDP की सप्लाई है। यहाँ पर इधर से ये 4 नंबर पिन पर हमारी ये DP की सप्लाई है, ये पॉइंट दिया हुआ है इसका। और ये 5 नंबर पिन पर हमारी DM की, यहाँ से होती दोनों सप्लाई है। यहाँ चलते हैं आगे। ये दोनों सप्लाई जो हमारी हैं, ये डायरेक्ट CPU में जाती हैं। देखिए इनकी सप्लाई में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, ये डायरेक्ट CPU में जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।